डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, AMS हाई स्कूल नर्सरी इंग्लिश मीडियम, लेक्चर नंबर 13 ऑफ मैथ बुक। आज का हमारा लेक्चर है। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम पेज नंबर 4 और 5 दोनों को रीड करेंगे। तो पहले पढ़ें आप, 4 वाले पेज पे पढ़ेंगे। 3 trees 3 दरख्त 3 keys 3 चाबियाँ 3 keys 3 चाबियाँ 3 birds 3 परिंदे 3 birds 3 परिंदे। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट आपका पेज नंबर 5। 4 doors 4 दरवाजे 4 doors 4 दरवाजे 4 hens 4 मुर्गियाँ 4 hens 4 मुर्गियाँ 4 hats 4 टोपियाँ 4 hats 4 टोपियाँ। डियर स्टूडेंट, पेज नंबर 4 5 इन दोनों को आप अच्छी तरह से रीड करें, आपको ये याद होने चाहिए। आएँ अब हम अपनी आज की काउंटिंग को रीड करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज हम अपनी काउंटिंग को रीड करेंगे 0 to 17। तो मेरे साथ पढ़ें, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 0 to 17 अपनी काउंटिंग को अच्छी तरह रीड करें, आपको ये ओरल याद होनी चाहिए और आपको इनकी पहचान होनी चाहिए। आइए अब हम अपना आज का एच वर्क करते हैं। डियर स्टूडेंट, हम 0 to 10 सिंगल सिंगल नंबर लिखना सीख चुके हैं। आज हम 0 to 5 लिखेंगे, यानी 0 से लेके 5 तक के नंबर्स लिखेंगे। इनके लिए आपको यहाँ पर डॉट लगे नज़र आ रहे हैं, तो इन डॉट्स को फॉलो करेंगे। फर्स्ट डॉट से सेकंड डॉट तक राउंड करके आपने बॉक्स के अंदर ऐसे 0 बनाना है। 2 डॉट्स को मैच करके सीधी लाइन बनाकर थोड़ी सी लाइन तिरछी और इसके नीचे ऐसे लाइन लगाकर 1 2 के लिए ऊपर की गोलाई शेप बनाकर इस लाइन के साथ टच करके और बाकी नीचे वाले बॉक्स की लाइन पर सीधा कर दें। 3 के लिए सीधी लाइन, 7 की तरह थोड़ा सा हाफ नीचे और नीचे ऐसे दाल बनाकर 3। 4 के लिए एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन और यहाँ से इसको ऐसे मैच कर दें। 5 के लिए एक सीधी लाइन लेफ्ट हैंड की तरफ, फिर इसको यहीं से नीचे लाएं और नीचे ऐसे दाल बनाकर 5 बना दें। डियर स्टूडेंट, 0 to 5 को आप नोटबुक पर दोनों साइड पर लिखेंगे। जैसे आपको यहाँ पे भी डॉट नज़र आ रहे हैं, आपने इस तरह से दोनों तरफ इसको राइट करना है। ये आपका आज का एच वर्क है। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।